नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के गुमला में हाथी के आतंक से ग्रामीण भयभीत, तोड़े चार घर। गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड स्थित छिछवानी पंचायत अंतर्गत ग्राम थाना डड़गांव में रात 12 बजे हाथी ने चार ग्रामीणों के घर तोड़ दिए, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीण रात में जागकर गांव में सुरक्षा दे रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने बताया कि हाथी घर में रखा सारा धन चट कर गया। घर का नुकसान वालों में सिप्रियन कुजूर, थॉमस टप्पो, सिप्रियन कुजूर, विनय केरकेटा का घर को हाथी ने नुकसान पहुंचाया। साथ ही वन विभाग और प्रशासन के प्रति भी ग्रामीण काफ़ी नाराज हुए। कहा कि बीते दिनों में इस क्षेत्र में हाथियों का आतंक बना हुआ है, पर प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई राहत सामग्री वितरण नहीं की गई है। ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग हाथी भगाने के लिए टॉर्च और पटाखे की व्यवस्था करके दे। एक पशु सहित दो लोगों को हाथियों ने कुचल कर मार डाला है। गुमला जिला ब्यूरो राजन पांडे की रिपोर्ट। यही मांग करते हैं कि घर भी मांग करते हैं और बत्ती का भी, और जो सामान उसको भगाने के लिए उसका भी हम चाहते हैं कि हाँ, क्योंकि बार बार यही रास्ता हो रहा है। अच्छा, रात में परेशानी होती है तो जब किसी तरह का सुविधा अभी तक नहीं मिला? अभी कुछ भी नहीं मिला है। रात में आप लोग कैसे बिताए? कैसे, हम बत्ती भी नहीं था, टॉर्च हम लोग, मेरे पास तो बत्ती भी नहीं था और टॉर्च लेके कि नहीं इधर उधर भाग रहे। खाल चांद जरिया था, इसलिए थोड़ा राहत मिली है। अंधेरिया में बहुत परेशान होते हैं। क्या नाम है आपका? सुमति तिर्की। 10 बजे रात में हाथी आया था। क्या क्या हुआ? हुआ तो दे इसी को जुन किया। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान उतना तो नहीं हुआ, दीवार नुकसान हुआ, धान तो नहीं था। अच्छा, जो बोरी पड़ा हुआ है धान का, बोरी दिख रहा है, वहाँ से धान निकल खा लिया है क्या? धान थोड़ा सा था। अच्छा, ज्यादा तो नहीं था। ऐसा है तो हम ये करेंगे कि इनका जो भी नुकसान हुआ है, इसको विभाग के तरफ हम एक लेटर बना कर रिप्रेजेंट करेंगे, भेजेंगे, ताकि इनका जो भी नुकसान हुआ है वो जल्द से जल्द हम लोग को, इनको जो भी जिनके साथ घटना हुई है उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा सरकारी प्रक्रिया है जो कुछ दिन लगेगा, हो सकता है 1 सप्ताह 10 दिन या फिर 1 महीना लग जाए, लेकिन इनको जो भी नुकसान हुआ है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक, आए दिन यहाँ इस तरह घटना होते रहता है, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सुविधा क्यों नहीं दिया जा रहा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुविधा मिलेगी जैसे ही हम लोग ऊपर में हम लोग बात किए हुए हैं साहब लोग से, अगर उन लोग जल्दी से जल्दी अगर भेज देते हैं सारा सुविधा तो हम लोग इनको प्रोवाइड करा देंगे। तकरीबन कंटिन्यू यहाँ घर धांसे जा रहा है, बट सुनने के लिए यही खाली मिलता है कि हम लोग ऊपर बात किए हैं इसका सुविधा दिया जाएगा, तो कितने माह के बाद ये चीज प्रक्रिया में जाएगा? ये तो देखिए सरकारी प्रक्रिया है, ऊपर से अलॉटमेंट आएगा, सारा सामान सुविधा सब आएगा, उसके बाद ही हम लोग दे सकते नहीं, हैं। तो ये सरकारी प्रक्रिया में तो जो है कि पब्लिक मरे चले जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे होगा? हम लोग नहीं, जैसे कि उसको अभी नहीं मिलता है ना, वैसे ही आप लोग को सारा सुविधा टॉर्च मोबाइल पटाखा वगैरह सब मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग को गुमला से सामान मंगाना पड़ता है। जो भी है तो आप लोग से बात कर लेते हैं, उन लोग से मंगवा करके हम डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। ठीक है, नाम आपको? जी, हमारा नाम सुनील उराव है, फॉरेस्ट गार्ड है हम यहाँ।